वेरीफाई करना है कि जो हमने वेबसाइट पे अपने क्लेम किए हुए, जो हमने यूट्यूब वीडियोस में आपको वीडियोस दिखाई हैं, जो हमने सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स या वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जो हमने आपको अपने ऑफिस में वर्बल ब्रीफिंग दी और हमने आपको सारे सैंपल्स दिखाए बिल्डिंग मटेरियल्स के, ग्रे स्ट्रक्चर के भी और फिनिशिंग फेज के भी, अब वो स्टेज आ गई है कि आपने हमारी कंपनी के ही 4-5 प्रोजेक्ट्स देखे जहाँ पे आपको रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया, शटरिंग, लकड़ी, फॉल सीलिंग, तारें, लाइटें, बाथरूम्स, लैंडस्केप, इवन घास, इवन लॉन बनते हुए, पैटियो बनता हुआ, बारबेक्यू एरिया बनता हुआ, आपको सब कुछ नज़र आ गया। जब आपको नज़र आ गया तो आपने ये एक अल्टीमेट स्टेज आपने अचीव कर ली कि आपने देखा कि पहले स्टेज से लेकर इस लास्ट स्टेज तक इस कंपनी के, लाइक मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, कि ग्लोरियस बिल्डर्स के सारे क्लेम बिल्कुल मैच कर रहे हैं और एक ही सीक्वेंस में हैं। जो क्लेम फर्स्ट स्टेज पे था वही क्लेम फिफ्थ स्टेज पे भी है, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को एक प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट कंपनी साबित करने में कामयाब हो गए। आपको इस सारी एक्सरसाइज का फायदा ये होगा कि अभी आपके पास बिल्कुल कोई भी फियर फैक्टर नहीं रहा, आपके जहन में किसी भी किस्म के खदशात नहीं रहे, आपको अभी किसी भी किस्म की जहनी कोफ्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने क्योंकि एक ड्यू प्रोसेस किया है, एक लंबा होमवर्क किया है, अपनी चेकलिस्ट को आपने अच्छे तरीके से जो है वो फिल किया है, उसके बाद आपने, आप कहते हैं कि हाँ भाई मैं तो 100% अभी मुतमिन हो गया हूँ और वी आर टोटली कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, नाउ वी आर प्लानिंग टू टॉक अबाउट द रेट्स। ये सर अभी बड़ी मज़ेदार बात आ गई कि जब हम लाहौर से निकले थे और हमने वहाँ पे बात की थी कि क्लाइंट्स सबसे पहले रेट की बात करते हैं। अब आप देखें कि मैं आपसे बातें करता, वीडियोस बनाता बनाता सरगोधा के करीब पहुँच गया हूँ, तो अब वो बारी आई है कि जहाँ पर रेट की बात हो रही है। तो मेरा शुरू में भी यही एम्फेसिस था कि रेट पूछना, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट लेना, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लेना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फी कॉस्ट लेना, सब कुछ बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस हैं। कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है, किसी किस्म का जिसे पूछा जाए या हमसे पूछा जाए तो हम बुरा नहीं मनाते हैं, ना ये गलत क्वेश्चन है, ना ये बंदा कहे कि ये अजीबोगरीब सी बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका सीक्वेंस है वो गलत है, इसकी पोजीशन लास्ट होनी चाहिए। हमारे पास 95% केसेस में इस सवाल की जो एक्चुअल इसकी पोजीशन है वो नंबर वन है, जो कि अभी आप देख लें कि इसकी पोजीशन मेरे हिसाब से आखिरी, क्योंकि आखिरी पोजीशन इसलिए है कि अभी आप हो चुके हैं सेटिस्फाइड, अभी आपने ड्यू होमवर्क भी कर लिया और आपको पता चल गया कि आप एक बेहतरीन कंपनी, जो अपने जिसका कोलो फेल में कोई तजाद नहीं है, जो जिसने जो क्लेम किया है, जो उसने यूट्यूब पे दिखाया है, वेबसाइट पे दिखाया है, ऑफिस में दिखाया है, वही कुछ दूसरे 5-6 प्रोजेक्ट जो हमने विजिट किए सब पे वही कुछ एप्लीकेशन भी हो रही है, एग्जीक्यूशन के स्टैंडर्ड्स भी वही हैं, वर्कमैनशिप के स्टैंडर्ड्स भी वही हैं, अच्छे तरीके से नफासत से काम हो रहा है, जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेनटेन किया जा रहा है, वर्कमैनशिप को मॉनिटर किया जा रहा है, सुपरविजन अच्छी हो रही है, प्लास्टर्स को पानी अच्छे तरीके से लग रहा है, तो मटेरियल्स भी सेम वही हैं जो पहले दिन हमने यूट्यूब पे देखे थे और फिर ऑफिस में देखे थे और फिर वो बाद में साइट्स पे भी देखे और उनको अप्लाई होते भी देखा। तो अभी आप कहते हैं ओके फाइन फेयर इनफ, आउट ऑफ दीज 5 कंपनीज जहाँ से हमने गूगल से नंबर्स लिए थे या वेबसाइट एड्रेस लिए थे, तो हमने ये कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, लेट्स से आपने हमारी ही कंपनी को, ग्लोरियस बिल्डर्स को सिलेक्ट कर लिया है। तो आप कहते हैं ओके फाइन, अभी हम आपके साथ एक डिटेल मीटिंग करना चाहते हैं आपके ऑफिस में बैठ के, आप हमें बताइए कि हमारे प्रोजेक्ट पे, डिज़ाइन पे, ग्रे स्ट्रक्चर पे, फिनिशिंग पे टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, और वहाँ पे हम आपको कॉस्टिंग के ऊपर, उसके प्रोसीजर के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ड्यूरेशन क्या होगी, डिज़ाइन कितनी देर में, फ्लोर प्लान बनता है, बाकी जो वर्किंग ड्राइंग्स हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं, MAB मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग्स हैं, पब्लिक हेल्थ ड्राइंग्स हैं, ये सारी ड्राइंग्स का सेट जो है वो LDA बैरिया टाउन DHA बायलॉज के मुताबिक कैसे बनता है, कितनी देर में बनता है, फिर कितनी देर में अप्रूवल होती है, हर अथॉरिटी की डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, तो हम इन चीज़ों के बारे में, उनकी फीसिस कितनी है, उनको टाइम कितना लगेगा,
और वो कब तक हमारे हाथ में ड्राइंग्स होंगी काम डिमार्केशन लेने और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, तो फिर इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और इसके बाद जो रेट की बात है, डेफिनेटली जिस वक्त हमारे हाथ में ड्राइंग्स आ जाती हैं, फ्रंट एलिवेशन फाइनल हो जाते हैं, हम आपको फौरी तौर पे इंटरनली बिल ऑफ क्वांटिटीज बना के, जिसको BOQ कहा जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज एक बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है टू रीच द बेस्ट एंड आइडियल एंड परफेक्ट अफोर्डेबल रेट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन। तो हम फिर वो आपको रेट देते हैं और उसके बाद हम फर्दर कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं। इस सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट करने से और इन स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में अडॉप्ट करने से, कि आप पहले अपनी ड्यू रिसर्च करें, अपना होमवर्क करें, अपनी चेकलिस्ट को फिल करें और बहुत अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दें। मैं तो बल्कि कहूँगा कि आपको अगर एक दो दिन ऑफिस से इवन छुट्टी भी करना पड़े तो आप एक दो दिन छुट्टी करें बल्कि, क्योंकि ये डेफिनेटली ये आपकी इन्वेस्टमेंट का मामला है, आपके आपके फैमिली एसेट का मामला है, तो इसमें आपके पास कम अज़ कम एटलीस्ट दो दिन आपको देने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको जब ये आप दो दिन दे देंगे कम्प्लीटली रिसर्च कर लेंगे तो आपको बाद में आने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो बाद में आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, ज़हनी कोफ्त भी नहीं होगी, माली परेशानी भी नहीं होगी, आप सुकून से अपना बिजनेस अपनी जॉब कर सकेंगे और हम एज अ ग्लोरियस बिल्डर्स आपके घर का सारी जो जिम्मेदारियाँ जो हमने आपसे वादा किया होगा, डिज़ाइन बनवाना, कंसर्न्ड अथॉरिटी से उसे अप्रूव करवाना, डिमार्केशन लेना, ग्रे स्ट्रक्चर बनाना और हर तरह के पैरामीटर्स को, हर तरह के डिसिप्लिन को और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना जो हमने प्रॉमिस किया होगा, जो हमने इन राइटिंग आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उसके बाद फिनिशिंग में डेफिनेटली बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है, अटेंशन टू डिटेल इसको कहा जाता है कि आपने हर एक चीज़ को बारीकी से देखना है, इवन परचेजिंग करते वक्त कलर स्कीम कौन सी है, टाइल्स की साइज़ कौन सा है, टाइल्स का वॉल सीलिंग कैसी है, कोई ऑकवर्ड तो नहीं लग रही, अप टू मार्क है, अप टू रिसेंट जो फैशन है उसके मुताबिक है, और दरवाज़े भी अच्छे हों, खूबसूरत हों, उनका उनकी जो पॉलिश हो रही है वो भी बहुत अच्छी और डिसेंट हो और पूरे इन्वायरमेंट को कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि बिल्कुल ही जो है वो एक अलग से सिनारियो बन रहा हो घर के अंदर। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना हमने अपनी टीम्स को, अपने सुपरवाइजर्स को इसके लिए बाकायदा तौर पर गाइड किया हुआ है, उनको उनके हर हफ्ते ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उनको मैं अपने मेरा क्योंकि ऑलमोस्ट 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में, तो मैं उनको इस चीज़ में ब्रीफिंग भी ट्रेनिंग भी देता रहता हूँ, और क्योंकि कंटिन्यूस ट्रेनिंग और ग्रूमिंग से लोग, अगर उनको, मेरा ये मानना है कि अगर आपकी टीम्स को नहीं भी कुछ ज़्यादा नॉलेज या कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं भी पता तो आप उनको अगर वीकली बेसिस पे ग्रूम करें, प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके उनकी ट्रेनिंग करें और उनको नई नई स्किल्स और नए नए आइडियाज़ से आप उनको बताते रहें, तो वो लोग आपकी टीम जो होती है वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स और अपने आपके क्लाइंट्स को बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये हमारी सारी वीडियोज़ जो आज हमने आपके साथ शेयर की हैं, रिकॉर्ड की हैं, ये इनका मकसद ये था कि आपका जो प्रोसीजर है, जिस सबसे पहले जो तरीका इंतखाब है, जो एक स्टैंडर्ड आपका वे होना चाहिए, आइडियल जो आप कह लें कि तरीका, वो ये होना चाहिए कि आपने जब कंस्ट्रक्शन कंपनी को इंगेज करना है तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, अदरवाइज आप अगर सबसे पहले रेट पूछेंगे तो आप इवेंचुअली जिस भी इंडिविजुअल से या कंस्ट्रक्शन कंपनी से फ़ोन पर रेट पूछ रहे हैं, आप उनको ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि आपका कंसर्न क्वालिटी है ही नहीं है, आप वो आपके इंसिस्ट करने पे आपको रेट भी दे देंगे और वो आपको डेफिनेटली बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्किल बेस्ड नॉलेज था वो तो डिस्कशन में आया ही नहीं है, सिर्फ रेट के ऊपर डिबेट हुई है, तो वो डेफिनेटली फिर आपको एक अच्छा या सबसे कम रेट तो मिल गया, लेकिन फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको प्रीमियम क्वालिटी भी डिलीवर होगी, क्योंकि ये इट्स नॉट बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस मैन जो है वो आपको कम से कम रेट दे और आपको प्रीमियम क्वालिटी की भी श्योरिटी दे दे। हाँ, हो सकता है कि उसके पास कुछ ऐसे मेथड्स हों या उसका उसने कुछ ऐसे तरीके से काम अपने सीनियर से या अपने बुजुर्गों से सीखा हो जिसमें वो बहुत कम मटेरियल्स के साथ या क्वालिटी का हेर फेर करके या क्वांटिटीज़ को आगे पीछे करके वो घर तो बना देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बना देगा, लेकिन उसमें से बहुत सारे
चीज़ें जो हैं वो निकल जाएंगी, जिसमें सबसे पहली बात है कि आपके जो बेसिकली जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी घर के अंदर, जो घर को एक मखसूस स्टैंडर्ड्स पे खूबसूरती मिलनी थी, वो भी नहीं आप मेक श्योर कर सकेंगे और आप इवन उनसे डिमांड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने कम से कम रेट पर घर अपना या अपना प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट अवॉर्ड किया है तो आपको बहुत सारे फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमने आपके साथ अभी सारा प्रोसीजर आपके साथ स्टेप बाई स्टेप आपके साथ शेयर किया, जिसमें हमने आपको प्रॉब्लम्स भी बताए हैं, क्योंकि हम डेफिनेटली इस इंडस्ट्री से 25 साल से मुंसलिक हैं तो हमें पता है कि क्लाइंट्स को ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का हमने आपको सोल्यूशन भी दिया है, तो आप प्लीज़ इनको भी फॉलो करिए। और स्टिल माय ऑफर इज़ देयर कि आप अगर किसी भी किस्म के मज़ीद हमसे सवाल भी पूछना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी हाज़र हैं। आपको मज़ीद गाइडलाइंस चाहिए या इसके ऊपर आप कोई डिबेट करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे शेयर भी करेंगे। तो ये हम इस वक्त सरगोधा पहुँच चुके हैं, आप देखें कि शहीनों का शहर सरगोधा में हम दाखिल हो रहे हैं, और लाहौर से सरगोधा तक का हमारा ये सफ़र इंफॉर्मेशन शेयरिंग में गुजरा है। और पर्सनली मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ अपना 25 साल का तजर्बा शेयर कर रहा होता हूँ, और इसमें कहीं भी हमारी ये कोशिश नहीं होती कि आप लाजमी हमें ही काम दें, हमारी कोशिश होती है कि आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर से आगाह कर दिया जाए, और जो छोटी मोटी बुनियादी गलतियाँ सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी के वक्त क्लाइंट्स की तरफ से हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो, उसकी वजह भी यही होती है कि वो इस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, तो वो उसकी वजह से फिर वो नुकसान ना उठाएं। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम थोड़ी देर में सरगोधा क्रशिंग प्लांट्स पे पहुंचेंगे, जहाँ पे जहाँ से हमारा एग्रीगेट बजरी आती है, बजर आता है, हार्ड स्टोन आते हैं, तो जो फाउंडेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, और हर जगह मतलब बाकी भी हमारी लिंटल बोरिंग में भी और बाकी सब कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर के अंदर प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं। हम उन प्लांट्स पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे जाके भी आपसे वीडियोस और पिक्चर के ज़रिए आपसे इंफॉर्मेशन और डाटा लेके आपसे शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।